नमस्कार, मैं हूं देव राजपूत, आपका दोस्त और आपका होस्ट, और स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है एंजॉय दिल से। तो दोस्तों, आजकल राजनीति में छाए हुए हैं कौन? राहुल गांधी। और राहुल गांधी की मैं क्यों बात कर रहा हूं दोस्तों, हमारा उनसे क्या कनेक्शन है? कनेक्शन तो कुछ भी नहीं है, इसलिए दिल पे मत लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं देख रहा हूं आजकल वो कभी ओला उबर कैब ड्राइवर के पास, कभी मोची के पास, तो कभी किसी मैकेनिक के यहां जाकर कुछ सीखते हैं, कभी सब्जी मंडी में, कभी सब्जी बाजार में, कभी ट्रक ड्राइवर के साथ, और कभी भारत जोड़ो यात्रा के साथ। आखिर वो जानना क्या चाहते हैं? आखिर उनको किस चीज की तलाश है? तलाश तो हमें भी है, लेकिन बताएंगे आपको म्यूजिक के उस पार। तो दोस्तों, अगर आपने म्यूजिक स्किप नहीं किया है तो आपको बताएंगे दोस्तों कि आखिर यार हम आज क्या पका रहे हैं। हम आपको नहीं पका रहे हैं दोस्तों, हम आज वाकई में कुछ पका रहे हैं, और उसके लिए दोस्तों हमने भी खोज करना शुरू कर दिया है अपनी किचन में। और क्या मिलेगा उसके लिए तो तलाश करना पड़ेगा, ग्रोसरी बाजार में, मार्केट में और अपनी किचन में। और जो कुछ मिलेगा उसको हम बनाएंगे, लेकिन कैसे उसके लिए तो आपको करना पड़ेगा इंतजार और जुड़े रहना पड़ेगा हमारे साथ, क्योंकि ये है एंजॉय। तो भाई साहब, हमें आज ग्रोसरी बाजार में, मॉल में लिए पापड़, क्योंकि पापड़ के अलावा हमें कुछ तो और तो नजर आया नहीं यार, और किचन में मिले हमें आलू। तो अब बनेगा क्या भाई? चाहिए कोई नई रेसिपी। तो हमें याद आया अपना राजस्थान। जी हाँ, रंग रंगीला राजस्थान, वहां पे हमारी माताएं, बहनें और दादी जब कुछ भी नहीं होता था तो घरों में ही ढूंढ कर कुछ ना कुछ ऐसी रेसिपी बना लिया करती थी दोस्तों, जिसको देख कर मन ललचाया करता था। तो आज हम आपके लिए बनाने जा रहे हैं वैसी ही एक रेसिपी। तो फिर चले, स्वागत है आपका किचन में। प्याज, लहसुन और अदरक ये हमने काट लिए रोल पापड़ और आलू के, और साथ में दोस्तों हरा धनिया, हरी मिर्च, और इसको करेंगे ग्राइंड और बनाएंगे एक लाजवाब चटनी जिसको देखकर मुंह में आ जाएगा पानी। और तेल को दोस्तों कढ़ाई में कर लेंगे गर्म, और खड़े मसाले कर लिए हमने तैयार। तो दोस्तों, ये रोल सोच रहे होंगे आप किस चीज के हैं, ये है दोस्तों पापड़ क्रश करके और तीन आलू का बॉइल्ड करके मैश किया हुआ, और उसके बनाए हमने ये रोल। और इसको दोस्तों हम कर रहे हैं तेल में फ्राई, कोई पकोड़े नहीं बना रहे हैं भाई साहब, हम बना रहे हैं दोस्तों एक लाजवाब राजस्थान की रेसिपी जो कि दोस्तों आजकल किचन में से लुप्त हो चुकी है। और फ्राई करने के बाद दोस्तों हमने इन रोल को निकाल लिया बाहर, और जो बाकी के बचे हुए रोल हैं वो डाल दिए दोस्तों हमने फिर से और दिल से तेल के समुंदर में, और इनको भी करेंगे फ्राई। तो दोस्तों पापड़ जो है इसको देगा कुरकुरापन, और आलू तो आप जानते ही हैं दोस्तों, और साथ में हमने अपने खाने के लिए
और सब्जी के लिए कर लिए पापड़ तैयार। तो दोस्तों मुझे लगा कि कुछ कमी है, तो हमने इसकी बना ली दोस्तों टिक्की, यानी कि दबा के हाथ से प्रेस करके, और उसके बाद हमने इनको फिर से और दिल से फ्राई किया दोस्तों। क्योंकि दोस्तों ये जो रेसिपी है बहुत ही लाजवाब और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है दोस्तों। जो तेल कढ़ाई में बचा था दोस्तों उसको लिया हमने, और राजस्थान की सब्जी में देसी घी का अगर इस्तेमाल ना हो तो फिर क्या कहना। और हमने दोस्तों देसी घी के अंदर फ्राई करने ये अपने खड़े मसाले, और जो लहसुन काटा था ना दोस्तों, अदरक काटे थे जिनके लच्छे बनाए थे हमने परवीन बॉबी जैसे, उनको डाल दिया दोस्तों तेल के समुंदर में हमारे खड़े मसालों के साथ, और हल्का हल्का फ्राई करना शुरू ही किया था दोस्तों। तो देसी घी की खुशबू और लहसुन और गार्लिक की खुशबू और खड़े मसालों की खुशबू आने लगी, पूरा घर महक उठा दोस्तों। उसके बाद हमने ये प्याज के जो लच्छे थे वो भी डाल दिए, क्योंकि मिलन कराना है दोस्तों, इनका जब तक आपस में मिलन नहीं होगा तो मज़ा कैसे आएगा दोस्तों। दोस्तों तो हमारी ये राजस्थानी थाली फिर से और दिल से हो गई है तैयार, और दोस्तों बहुत ही शाही अंदाज के अंदर, क्योंकि दोस्तों देसी घी में बनी है और देसी घी की रोटी, वाओ मज़ा आने वाला दोस्तों। और ठंडा ठंडा पानी, और हमारे ये साहबजादे क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं इंतज़ार, क्योंकि इन्हें भी लगी है दोस्तों भूख। और साथ में दोस्तों सैलेड, खीरा, और हमारे यहाँ चल रहा है दोस्तों सास बहू और फिल्मिंगो नेटफ्लिक्स पे दोस्तों, और हम ले रहे आनंद और शीरो भी ले रहा है आनंद। तो दोस्तों ऐसी लाजवाब रेसिपी आपने खाई नहीं है ना, तो बनाइएगा ज़रूर, क्योंकि ये बनाई है हमने आप लोगों के लिए, वो भी दिल से, और बहुत ही मज़ेदार है। और मिसेज राजपूत भी आ चुकी हैं दोस्तों टेस्ट करने हमारे साथ, और आपके लिए भी लाई हैं दोस्तों बहुत ही बेहतरीन ये आलू पापड़ के रोल, राजस्थानी रोल। तो दोस्तों खाइएगा और खिलाइएगा, और पूरे घर को देसी घी से महकाइएगा, क्योंकि यही है प्यार और यही है ज़िंदगी। वाह क्या कहने हैं दोस्तों, ये तो एक क्या कहते हैं जुगलबंदी हो गई है दोस्तों। तो दोस्तों लीजिए मज़ा आप भी हमारे साथ, और करते रहिए एंजॉय दिल से। तो दोस्तों आज की हमारी ये रेसिपी यानी कि आलू और पापड़ की रोल कैसे लगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद, वो भी दिल से। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए स्वाद की दुनिया में अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए दोस्तों शब खैर, शुभ रात्रि, गुड नाइट, एंजॉय दिल से।